हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस में हमने सेक्शन 190 नाइन्टी टू वन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आज के लेक्चर में हम सेक्शन 195 नाइन्टी ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा था कि सेक्शन 190 के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेते हैं बट वो कैसे लेते हैं तीन तरीके से कॉग्निजेंस लेते हैं कंप्लेंट के थ्रू पुलिस रिपोर्ट के थ्रू या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है मजिस्ट्रेट को बाय एनी अदर पर्सन जो पुलिस ऑफिसर नहीं है या फिर उनकी खुद की नॉलेज के बेसिस पे वो कॉग्निजेंस लेते हैं एंड जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं वो कौन है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एम्पावर करेंगे अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए अदरवाइज जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है वो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ओरिजिनली वो उनके पास पावर है कांगजेंस लेने की बट मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास भी कॉन्विजेंस ले सकते हैं इसके बाद हमने देखा था कि अगर कौ... मज अक्ूज चाहता है अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस खुद लिया है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है तो यहाँ पर फेयर नहीं होगा कि वही उस केस को ट्रायल करें इंक्वायर करें तो अगर अक्यूज़ पर्सन चाहता है कि कोई और मजिस्ट्रेट उस केस को ट्रायल करें इंक्वायर करे तो अक्यूज़ एप्लीकेशन लगा सकता है एंड अक्यूज़ की इस एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट जो है उस केस को कमिट कर देगा एन अदर मजिस्ट्रेट को जो कॉम्पिटेंट होगा उस केस को ट्रायल और इंक्वायर करने के लिए ऐसे ही हमने देखा था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी किसी भी केस का कॉग्निजेंस खुद नहीं लेगी उनको क्या होगा केस कमिट किया जाता है तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज अगर इस कोड के अंदर कहीं भी कुछ एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है कि इन मैटर्स को सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही डील करेगी तो वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन की बट अदरवाइज जो जनरल रूल है कोर्ट ऑफ सेशन कॉन्विडेंस नहीं लेगी कोर्ट ऑफ सेशन को जनरली केसेस कमिट किए जाते हैं कोई और मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को केस जो है वो ट्रांसफर करता है और क्योंकि इसलिए क्योंकि वो केसेस जो है वो स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन खुद कभी भी कॉन्गिजेंस नहीं लेगी और ये जनरल रूल दिया हुआ है सेक्शन 193 के अंदर ऐसा ही सेम रूल जो है ये जो कोर्ट ऑफ सेशन पर अप्लाई होता है वही सेम अप्लाई होगा एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज के ऊपर भी अब हमने ये तो देख लिया था कि कॉग्निजेंस क्या होता है कॉग्निजेंस कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर बट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा है कॉग्निजेंस को कि कॉग्निजेंस क्या होता है कॉग्निजेंस का मतलब यह होता है कि कोई भी जो जुडिशल ऑफिसर है कोई भी जो जज है मजिस्ट्रेट है वो जुडिशल नोटिस ले रहा है किसी भी एक्ट का जो ऑफेंस है अंडर द लॉ कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है उस कमीशन के ऊपर उस ऑफेंस के कमीशन के ऊपर वो जुडिशल नोटिस ले रहा है तो जुडिशल नोटिस लेने को हम बोलते हैं कांगनीजेंस अब आगे हम देखेंगे सेक्शन 195 सेक्शन 195 क्या बात कर रहा है ये कहता है कि कोर्ट को बार किया गया है तो वो कांग्नीजेंस नहीं ले सकता है सेक्शन 195 बार कर रहा है कि नो कोर्ट शेल टेक कांगनीजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट जब तक इन ऑफेंसेस के अंदर जो सेक्शन 195 नाइन्टी फाइव के सबसेक्शन वन क्लॉज ए के अंदर मेंशन किए गए हैं उनके अंदर जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है वो ऑफेंस कमिट होने पर मजिस्ट्रेट अपने आप से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक एक पब्लिक सर्वेंट मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट नहीं देते लिख के रिटर्न में होनी चाहिए वो कंप्लेंट। तो जब तक पुलिस सर जो पब्लिक सर्वेंट है पुलिस ऑफिसर है या कोई और पब्लिक सर्वेंट है या जिस पब्लिक सर्वेंट ने वो कंप्लेंट देनी थी वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी बोल सकता है कि आप ये कंप्लेंट फाइल कीजिए इन रिटर्न राइटिंग और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के बेसिस पर ही कॉन्विडेंस लेंगे एंड वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं सेक्शन 172 से 188 तक जो भी इंडियन पिनल कोड के अंदर ऑफेंसेस दिए गए हैं इन ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई भी अगर अबेटमेंट किया जाता है अटेम्प्ट किया जाता है इन ऑफेंसेस को कमिट करने का या क्रिमिनल कॉन्स्पेरिससी की जाती है इन ऑफेंसेज से रिलेटेड तो मजिस्ट्रेट अपने आप को नहीं ले सकते पब्लिक सर्वेंट जब तक उनको एक कंप्लेंट नहीं दे देते और पब्लिक सर्वेंट अपने सबॉर्डिनेट को भी कह सकते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए नेक्स्ट है क्लॉज बी क्लॉज बी के अंदर क्या बात कर रहे हैं कोई भी ऑफेंस अगर रिलेट करता है इन सेक्शन से सेक्शन 193 टू 196 199 200 205 टू 211 एंड टू ट्वेंटी एट ऑफ आई हम यहाँ पर इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं इन ऑफेंसेस से अगर कोई भी ऑफेंस डील करता है इन सेक्शंस के अंदर वो ऑफेंस अगर फॉल करता है या सेक्शन 463 के अंदर 463 सिक्सटी थ्री यहाँ पर सी आर पी सी का सेक्शन है सेक्शन 463 सिक्सटी थ्री ऑफ सी आर पी सी के अंदर जो ऑफेंसेज गिवन है जो ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं या फिर जो ऑफेंसेज पनिशेबल हैं अंडर 471 सेवेंटी वन एंड सेक्शन फोर सेवेंटी फाइव एंड सेक्शन फोर सेवेंटी सिक्स ऑफ सेड कोड सेड कोड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड की व्हेन ये जो ऑफेंस हैं ये कमिट हुए हैं डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जब एविडेंस प्रोड्यूस किया जा रहा था कोर्ट के अंदर या फिर ये जो जितने भी सेक्शन मैंशन है क्लॉज बी के अंदर इनके रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्स्पेरेसी होती है अटेम्प्ट होता है कमिट करने के लिए या अबेटमेंट होती है तो इन ऑफेंसेस के लिए भी कोर्ट जो है वो अपने आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकती कॉग्निजेंस कब लेगी जब तक कोई कंप्लेंट नहीं फाइल कर देता वो कोर्ट क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं ये सारे कोर्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं कि आप अगर कोर्ट के अंदर गवाही दे रहे हैं तो गलत गवाही दे रहे हैं डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कोर्ट के अंदर तो वो गलत डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं एज एन एविडेंस तो उस सिचुएशन के अंदर जिस कोर्ट के सामने आपने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है उस कोर्ट को पता है कि आपने ये गलत किया है और आपने ये ऑफेंस कमिट कर दिया अंडर इंडियन पिनल कोड तो वही कोर्ट जो है रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करेगा एन कोर्ट को और बोलेगा कि कॉन्ग्नीजेंस लेने के लिए एंड जो वो कोर्ट है जिसके सामने ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी ऐसा बोल सकते हैं कि आप रिटर्न में एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए एंड विदाउट दिस कंप्लेंट इन राइटिंग में ही होनी चाहिए वो कंप्लेंट एंड इस कंप्लेंट के बिना जो मजिस्ट्रेट है कोई भी मजिस्ट्रेट इन ऑफेंसेस से रिलेटेड ट्रायल और इंक्वायरी स्टार्ट नहीं कर सकता कॉन्गनीजेंस नहीं ले सकता नेक्स्ट है सब सेक्शन टू सेक्शन टू बात करता है जहाँ पर कंप्लेंट की गई है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी अब जिसने भी कंप्लेंट फाइल करी है कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसका विड्रॉल भी हो सकता है तो विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट ये दिया गया है सेक्शन टू के अंदर ऑफ सेक्शन वन तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विड्रॉल जो है इस कम्प्लेंट की वो किस तरीके से किया जाएगा एंड कब आप विड्रॉल कर सकते हो ये भी इम्पॉर्टेंट है जब ट्रायल स्टार्ट हो गया है तब भी आप विड्रॉल कर सकते हो बट जैसे ही ट्रायल कंक्लूड हो जाता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स बची हैं उससे पहले पहले ही आपको विड्रॉल कर सकते हो उस कंप्लेंट को बट अगर ट्रायल जो है पूरा कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो एंड विड्रॉल से आपको कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है अगर आपके सुपीरियर ऑफिसर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला है कि जो आपने ये कंप्लेंट फाइल करी है आप इसको विड्रॉल करें तो आपको विड्रॉल करनी पड़ेगी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसने वो कंप्लेंट फाइल करी है या उसके सबॉर्डिनेट ने कंप्लेंट फाइल करी है तो जो जिसने भी कंप्लेंट फाइल करी है कोर्ट के अंदर उसके सीनियर जो होंगे उसके ऊपर के जो सुपरवाइजर होंगे जो भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव में होंगे वो उनको बोलेंगे कि आप ये जो कंप्लेंट है ये विदड्रॉल करिए तो उनको विड्रॉल करनी पड़ेगी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एंड जैसे ही कंप्लेंट विद्रॉ हो जाएगी कोर्ट जो है उस कंप्लेंट के ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी तो आगे उस कंप्लेंट के ऊपर कोई भी ट्रायल इनिशिएट नहीं होगा नेक्स्ट है सबसेक्शन थ्री सबसेक्शन थ्री बात करता है कि अगर कोर्ट यहाँ पर कोर्ट का मीनिंग बताया गया है कि कोर्ट क्या है अब यहाँ पर क्लॉज बी ऑफ सबसे सबसेक्शन वन की बात हो रही है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन वन के अंदर हमने बात करी थी कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगा इन राइटिंग किसी अनदर कोर्ट को तभी वो अनदर कोर्ट जो है वो कॉग्नीजेंस लेगी तो यहाँ सब सेक्शन थ्री बात करता है कि क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन वन के अंदर कोर्ट जो है वो कौन सा कोर्ट है सिविल कोर्ट है रेवेन्यू कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट है एंड इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स को भी इंक्लूड किया गया है जो सेंट्रली सेंट्रल एक्ट के अंदर प्रोविंशियल एक्ट के अंदर और स्टेट एक्ट के अंदर बनाई गई हैं तो ये सारे ही कोर्ट माने जाएंगे इस सेक्शन के पर्पज़ के अंदर नेक्स्ट है सब सेक्शन फोर इस सेक्शन के अंदर जो क्लॉज बी सब सेक्शन वन के अंदर दिया गया है और बोला गया है कि कोर्ट मतलब कौन सी कोर्ट क्योंकि वहाँ पर कोर्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर रही है इन राइटिंग तो कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट ऑफ विच द अपील ऑर्डनरी राइज जहाँ पर किसी मैटर के लिए अपील लाए करती है उससे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होगा तो वो कोर्ट वो कोर्ट माना जाएगा जो क्लॉज बी सब सेक्शन वन के अंदर गिवन है एंड अगर अपीलेट कोर्ट की बात कर रहे हैं हम इन द केस ऑफ अ सिविल कोर्ट फ्रॉम विच द डिक्री इज़ नो अपील ऑर्डरिला इज जहाँ पर नो अपील लाए कर रही है उस डिक्री के लिए तो जो प्रिंसिपल कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है उस मैटर को डील करने की वो वो कोर्ट मानी जाएगी वो कोर्ट वो डीम्ड करी जाएगी कि वो सबॉर्डिनेट कोर्ट है अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन वन अब यहां पे प्रोवाइडेड दिया गया है कि where appeal to more than one court, तो जो appellate court inferior jurisdiction का होगा, सबसे कम जुडिस्डिक्शन का होगा वो कोर्ट वो कोर्ट मानी जाएगी अंडर क्लॉज बी ऑफ क्लॉज बी के अंदर बोला है कि वेयर अपील अपील इन सिविल कोर्ट एंड ऑल्सो टू कोर्ट सच कोर्ट शेल बी डीम टू बी सबॉर्डिनेट टू द सिविल और रेवेन्यू कोर्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस जो भी नेचर है उस केस का उस केस के अकॉर्डिंगली ही वो जो केस कोर्ट uh, है वो मानी जाएगी सबॉर्डिनेट कोर्ट सिविल नेचर का है तो सिविल कोर्ट सबॉर्डिनेट मानी जाएगी रिवेन्यू नेचर का केस है तो रेवेन्यू कोर्ट जो है सबॉर्डिनेट मानी जाएगी नेक्स्ट है सेक्शन 195 कैपिटल ए की प्रोसीजर क्या है अगर विटनेस को जो है इन केस ऑफ थ्रेटनिंग अगर उसको थ्रेटन किया जाता है और विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड अगर किसी भी विटनेस को थ्रेटन किया जाता है तो वो सेक्शन वन कैपिटल आई के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है तो यहाँ पर प्रोसीजर गिवन है कि कोई भी विटनेस या कोई अनदर पर्सन भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस ऑफेंस के रिलेशन में